हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। घड़ी में ठीक 12 बज चुके थे। जनवरी की भरी सर्दी में एक जवान युवक अपने शरीर पर चादर ओढ़े जंगल के रास्ते से बड़ी ही तेजी से चलता हुआ गांव के कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। रात के ठीक 12:30 बजे वह कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लोटा था। उसने उस लोटे को कब्रिस्तान में रखा और पास ही दफन एक कब्र के ऊपर की मिट्टी को अपने हाथों से खोदने लगा। कुछ देर खोदने के बाद उसे उस कब्र के अंदर एक बहुत ही छोटे बच्चे का आधा गला हुआ शरीर दिखा। उसके आधे शरीर का मांस पूरी तरह गल चुका था। उसके आधे जिस्म पर केवल हड्डियां ही नजर आ रही थी। बाकी बचे आधे जिस्म के मांस को उसके शरीर पर रेंग रहे कीड़े चुन चुन कर खा रहे थे। वो उस बच्चे के मुर्दा शरीर को बाहर निकाल कर लाया। उसने कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर एक सफेद रंग की चीज से वहां एक गोल घेरा बनाया। उसने उस बच्चे के मुर्दा शरीर को उस गोल घेरे के अंदर रखा और वहां बैठकर एक किताब से पढ़ते हुए कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों का जाप पूरा होते ही उसे वहां बेहद ही ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। उसने देर ना करते हुए उस लोटे को उठाया और उसमें रखे गाय के दूध को वह उस बच्चे के मुर्दा शरीर पर डालने लगा। दूध का स्पर्श पड़ते ही बच्चे के मुर्दा शरीर में कुछ हलचल होने लगी। उस बच्चे का वह मुर्दा शरीर अचानक ही बड़े असामान्य तरीके से जोर जोर से कांपने लगा और कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी उस युवक ने उस बच्चे के मुर्दा शरीर को उस गोल घेरे के बीच से उठाकर वापस उसी कब्र में दफन कर दिया और उस लोटे को लेकर अपने घर चला आया और गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद फोन की रिंग के साथ उसकी नींद खुली। उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने बड़े ही हड़बड़ाते हुए फोन उठाया। गुड मॉर्निंग माय लव। जतिन की बात का उसकी गर्लफ्रेंड रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज तेज सिसकियां भरते हुए रोने लगी। क्या हुआ रागिनी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ पापा को? पापा हम नहीं रहे। रागिनी ने रोते हुए ऐसा कहा और सिसकियां भरते हुए फोन पर ही बेहोश हो गई। जतिन बहुत देर तक फोन पर हेलो हेलो चिल्लाता रहा लेकिन उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला। उसे अब रागिनी की चिंता होने लगी थी, इसलिए वह देर ना करते हुए सीधा रागिनी के घर पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर देखा तो रागिनी के पिता की अर्थी सजाई जा रही थी। उनकी अचानक बेकारण मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में था। जब जतिन को यह बात पता चली कि कल रात तक रागिनी के पापा बिल्कुल ठीक थे और आधी रात को अचानक वो चल बसे तो जतिन के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया। कुछ दिन बीते, अभी तक कोई भी रागिनी के पापा की मौत से उभरा भी नहीं था कि उसी असामान्य तरीके से कुछ दिन बाद जतिन के पिता की भी मृत्यु हो गई। ठीक उसी तरह जिस तरह आधी रात को अचानक रागिनी के पिता की मृत्यु हुई थी। जतिन बहुत हैरान परेशान था। तभी कुछ दिन बाद रागिनी उससे मिलने के लिए आई। तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है जतिन? मुझे कल से ही बात खटक रही है। क्या बात? जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई वो अमावस्या की रात थी और उसकी अगली अमावस की रात को तुम्हारे पापा भी चल बसे। जरूर कुछ तो अजीब है, वरना बिना किसी कारण दो लोगों की मौत सामान्य नहीं है। देखो, तुमने वो सब कुछ विधि के अनुसार तो किया था ना? अभी तक हम हमारे परिवार के दो सदस्यों को खो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस विधि में हुई किसी ऊंच नीच के कारण हम अपने पूरे परिवार को खो दें। नहीं रागिनी, मैंने तो वो सब कुछ विधि के अनुसार ही किया था। तुमने मुझे जो वो किताब दी थी उसके अनुसार ही मैंने वो पूरी विधि की थी। तो ये सब कैसे हो रहा है? सोचो जरा, कहाँ है वो किताब? खोलो उसे। रागिनी के कहने पर जतिन ने वो किताब खोली और उसमें लिखी हर बात को वो दोनों बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगे। तभी जतिन ने कहा, हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था, कुछ भी अलग नहीं किया। जतिन की बातें सुनते हुए भी रागिनी का ध्यान उस किताब पर था। रागिनी ने उस किताब को अपने हाथ में उठाया तो वो बुरी तरह पसीने से भीग गई। क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? ओ नो जतिन, इस किताब का एक पन्ना फटा हुआ है, इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया।
जरूर इस पन्ने पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा था, उसी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, वरना पता नहीं हमारी फैमिली के साथ क्या हो जाए। चलो प्लीज। रागिनी की बातें सुनकर जतिन के भी पसीने छूट गए थे। वो दोनों बड़ी ही जल्दबाजी में उनके पास के एक गांव में एक तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा उन दोनों को देखते ही भांप गए कि जरूर उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। बाबा, हम मुसीबत में हैं, अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। भांप चुका हूं मैं, गंध आ रही है मुझे उसकी। मुंजा को जागृत किया है ना तुमने, बहुत बड़ी गलती की है। नहीं छोड़ेगा वो, किसी को नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत कहिए बाबा, पहले ही हमारे परिवार के दो सदस्यों को वो अपने साथ लेकर जा चुका है। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए बाबा। मुंजा का साधना आसान कार्य नहीं है। उसकी साधना में की गई एक छोटी सी गलती इंसान के पूरे वंश का सर्वनाश कर सकती है। किसने ज्ञान दिया तुम्हें मुंजा को साधने का, और तुमने आखिर उसे साधा ही क्यों? बाबा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब एक दिन हमारे एक दोस्त ने बताया कि मुंजा साधना करके तुम किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो, उनसे अपनी हर बात मनवा सकते हो। इसलिए मैं एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वे जैसे ही थोड़ी देर के लिए अपने स्थान से गए, तो मैंने उनके झोले से मुंजा साधना की किताब को चुरा लिया और उनसे बिना कुछ कहे वहां से चला आया। हाँ बाबा, जतिन ने उस किताब में लिखी विधि के अनुसार सब किया तो सही, लेकिन उस किताब का एक पन्ना फटा हुआ था, जिस वजह से उस क्रिया में कोई चूक हो गई। हमारी मदद कीजिए बाबा, हम दोनों के परिवार पर वो खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारे पूरे परिवार की तस्वीर चाहिए, जिस पर मैं रक्षा क्रिया करके उन सबको मुंजा के प्रभाव से मुक्त कर सकूं। तुम दोनों कल रात्रि मेरे पास आ जाना, मुझे रक्षा क्रिया की तैयारी करनी होगी। बाबा की बात सुनकर उन दोनों ने घबराते हुए हां में सर हिलाया। अगली रात्रि वो दोनों अपने अपने परिवार की तस्वीर लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने वहां पर एक यज्ञ कुंड तैयार किया था। यज्ञ कुंड में जल रही अग्नि का धुआं चारों दिशाओं में फैला हुआ था। तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक यज्ञ पूर्ण ना हो जाए तब तक ना तो अपने मुंह से कोई शब्द निकालना और ना ही यज्ञ कुंड को छोड़कर कहीं जाना। वह कोशिश करेगा तुम्हें छलने की। ठीक है बाबा, हम ध्यान रखेंगे। ये कहते हुए वो दोनों यज्ञ कुंड में बैठे। तभी बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ करना शुरू किया कि तभी थोड़ी देर बाद उन्हें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उनके सामने एक कपड़े से लिपटा हुआ लगभग 30-40 दिन का बच्चा बिलखते हुए रो रहा था। तभी एक आदमी आकर उस बच्चे का गला दबाने लगा। उस छलावे को हकीकत समझकर उस बच्चे को बचाने के लिए जतिन और रागिनी वहां से उठने ही वाले थे कि तभी उन्हें बाबा की कही हुई बातें याद आई और वो अपने कदमों को रोकते हुए यज्ञ कुंड की अग्नि की ओर देखने लगे। उनके आसपास बेहद ठंडी हवाएं चल रही थी। किसी अदृश्य शक्ति को वो अपने पास महसूस कर रहे थे। डर के मारे उन दोनों का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। तभी बाबा ने उनके हाथ से उनके परिवार की तस्वीरों को लिया और उन पर अभिमंत्रित जल छिड़क कर माता रानी के चरणों में रखे सिंदूर से उन पर तिलक किया। बाबा ने उन दोनों के परिवार की तस्वीरों को एक लाल धागे से बांध दिया और अपने एक लकड़ी के बक्से में रख दिया। बाबा ने उन दोनों के ऊपर भी अभिमंत्रित जल छिड़क कर उनके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। तभी उन दोनों को अपने पास महसूस हो रही वह अदृश्य शक्ति का एहसास होना बंद हो गया। उनके आसपास का वातावरण अब बिल्कुल सामान्य हो गया था कि तभी बाबा ने उनसे कहा, यह सोचकर खुश मत होना कि वह इतनी आसानी से चला गया है। इस रक्षा यज्ञ से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित तो हो गया है, लेकिन तुम सबके बदले वो किसी एक को लेकर जाएगा। याद रखना बेटी, तुम जब गर्भवती होगी तो अपने गर्भ का खास ख्याल रखना। अपने पेट को किसी भी समय खुला मत छोड़ना, हमेशा उसे ढककर रखना, वरना वो तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे परिवार को बचा लिया। बाबा का धन्यवाद कर वह दोनों वहां से लौट आए। कुछ समय बाद बहुत समझाने पर उनके घर वालों ने उन दोनों को शादी की मंजूरी दे दी। शादी के 6 महीने बाद रागिनी प्रेग्नेंट हो गई। उसकी प्रेगनेंसी को भी अभी 7वां महीना लग चुका था। तभी एक दिन छत पर टहलते हुए एक अजीब सा पक्षी उसके आसपास चक्कर लगाने लगा। रागिनी को वो पक्षी बहुत विचित्र सा लगा। रागिनी ने उस दिन साड़ी पहनी थी। तभी जतिन की भतीजी खेलते हुए उसके पास आई, लेकिन तभी छत पर चलते हुए उसके पैर आपस में लड़खड़ा गए और उस बच्ची ने गिरने से बचने के लिए रागिनी के साड़ी के पल्लू को कसकर खींच लिया। तभी अचानक उस कारण रागिनी का पल्लू उसके पेट से सरक गया और उस पक्षी की नजर उसके गर्भ पर पड़ गई। उसकी नजर रागिनी के गर्भ पर पड़ते ही रागिनी के पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। वह कराहती हुई वहीं गिर पड़ी। घर वाले जल्द से जल्द उसकी ऐसी हालत देखकर उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर चुका था। मुंजा अपने साथ उसके गर्भ में पल रहे पहले बच्चे को अपने साथ ले गया था। अब वो लोग हमेशा के लिए मुंजा के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि वो अपने साथ उनके पूरे परिवार को बख्शने की कीमत ले चुका था। लेकिन अगर उन दोनों ने ही मुंजा को सिद्ध करने की वो गलती ना की होती तो आज उन दोनों के पिता के साथ उनका बच्चा भी सलामत होता। दोस्तों, तंत्र साधना, काला जादू और अनेक ऐसी काली सिद्धियां इंसान को जो चाहे वो दे तो देती है, लेकिन उसे पाने के लिए कभी कभी लोगों को उसकी बेहद भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर तांत्रिक बाबा ने रक्षा यज्ञ करके उन्हें सुरक्षित ना किया होता तो उनकी यह गलती के कारण उन दोनों का पूरा परिवार आज खत्म हो चुका होता। इसलिए हमेशा ऐसी काली विद्याओं और काली साधनाओं से दूर रहें, क्योंकि इन साधनाओं में की गई एक छोटी सी गलती की सजा आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार और वंश का भी सर्वनाश कर सकती है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।